वेलकम बैक। इस एग्जाम्पल में हम लोग पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस निकालना सीखें। सो देखो, पहला वाला है 0.001 कैपिटल एम एनएओएच। तो ये एनएओएच क्या करेगा, ओएच माइनस देगा आपको, क्या देगा, ओएच माइनस और एनए प्लस देगा। एनए प्लस अपने काम का नहीं, अपने काम का ओएच माइनस। अब ये ओएच माइनस कितना प्रोड्यूस होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, सारा एनएओएच किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओएच माइनस और एनए प्लस में स्प्लिट हो जाएगा। मतलब एनएओएच आप जितना लेंगे ऑल गेट 100% गेट्स आयनाइज, सबका आयनाइजेशन हो जाएगा। तो जितना एनएओएच लेंगे उतना ही ओएच माइनस मिल गया। तो ओएच माइनस कितना मिला आपको, 0.001 कैपिटल एम ओएच माइनस का कंसंट्रेशन आया। तो अब मुझे पीएच निकालना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पीओएच निकालूंगा। पीओएच मैं कैसे पीओएच निकालूंगा, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस। ओएच माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 10^-3। सो दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10^-3। तो ये कितना आया, ये आएगा 3 आएगा। तो क्या आया 3, P ऑफ OH मेरा 3 आएगा, P ऑफ OH 3 है, पर निकालना क्या है pH। तो हम लोग को पता है एक फॉर्मूला, क्या, pH plus pOH is equal to 14, pH plus pOH equal to pKW होता है। pKW अगर बताया नहीं है कितना है तो 14 एज्यूम कर, तो POH 3 है तो pH कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। माइनस करके देख लीजिए तो इसका pH आएगा 11, तो इसका pH मेरा 11 आया। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये देखो ये क्या करेगा, ये आपको 2 OH माइनस देगा, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस देगा। तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.005 × 2, उसको करके देखिए आएगा 10^-2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा, ठीक है। तो pOH कितना आया, 2 आएगा। अब pH निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 से माइनस करेंगे, तो pH निकालना है तो 14 से माइनस किए तो आएगा 12, ये हो गया। नेक्स्ट, 0.01 कैपिटल एम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर भी 2 OH माइनस प्रोड्यूस होगा, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी क्या, 2 × 0.01, तो दिस इज इक्वल टू 2 × 10^-2। ये मेरा OH माइनस है, तो POH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 2 × 10^-2। अब यहां लॉग का प्रॉपर्टी यूज कीजिए, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आएगा 2 − log 2, क्या आएगा, 2 − log 2, इसका आएगा, जरा सही से कीजिए तो आएगा, log 2 को प्लेस करें, log 2 0.3 होता है, तो ये कितना आ गया 1.7, log 2 को 0.3 पुट करेंगे तो POH आया 1.7, पर मांगा क्या है, मांगा है अगेन pH, तो किससे माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। जब मैं 14 से इसको माइनस करूंगा तो pH कितना हो जाएगा, 14 − 1.7 इज इक्वल टू 12.3 आएगा, तो इसका pH हो गया 12.3। नेक्स्ट, इसका पता करते हैं, ये थोड़ा मैं लाइन ड्रॉ कर लेता, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपको 2 OH माइनस देगा, इंप्लाइज दैट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू,
2 × 0.0008 इसको कीजिए तो आएगा 1.6 × 10^3। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1.6 नहीं करेंगे, ठीक है 16 करेंगे आसान होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 16 × 10^-4 16 × 10^-4 ये क्या है मेरा, ये है OH- का कंसंट्रेशन। अब मैं POH निकालूंगा, POH कैसे निकालूंगा, माइनस लॉग ऑफ OH- लेकर, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 16 × 10^-4। अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट करूंगा तो आएगा माइनस लॉग 16 − log 10^-4 इंप्लाइज दैट POH इज इक्वल टू 4 − log 16। यहाँ क्या आएगा, माइनस 4 नीचे उतरेगा ना तो वो हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा 4 − log 16। अब log 16 का वैल्यू देखो कैसे निकाल, इसको मैं लिख सकता हूं 4 − log 2⁴। 2⁴ कुछ नहीं होता, 16 होता है, तो मैंने 16 को लिखा क्या, 2⁴। अब मैं इस 4 को नीचे उतार सकता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट POH इज 4 − log 2। 4 − log 2। अब मुझे log 2 का वैल्यू याद रखना होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3, तो 0.3 इसका वैल्यू है, 0.3 × 4 क्या आएगा, 4 × 3 = 12 होता है तो 1.2, 4 − 1.2 = 2.8। तो POH आया है 2.8, क्या आया, POH आया है 2.8। तो pH निकालने के लिए क्या करना होगा, 14 − 2.8 = 11.2। तो इसका pH कितना आया, 11.2। अब 10⁻¹⁸ कैपिटल M NaOH, अब हम लोग इसका करेंगे, ये जो है थोड़ा अलग तरीके से आंसर है। तो हम लोग अब 10⁻¹⁸ कैपिटल एम NaOH का पीएच पता करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको बोलूं कि ये OH- माइनस दिया, तो OH- माइनस का कंसंट्रेशन हम लोग अगर लिखना चाहे तो ये लिख सकते थे शायद 10⁻¹⁸ कैपिटल एम। तो अगर मैं POH निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ दिस, माइनस लॉग ऑफ 10⁻¹⁸। तो क्या आया, POH 8 आया, तो POH 8 आया है। अब pH कितना आएगा, pH आएगा 14 − 8 = 6, मतलब एसिडिक हो गया, pH लेस देन 7 आ गया, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। बट क्या मिलाया था, NaOH मिलाया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप NaOH मिलाएंगे और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाए। NaOH मिलाएंगे तो सॉल्यूशन को बेसिक होना है, pH मोर देन 7 आएगा। तो क्या गलती, देखो गलत क्या हुआ है कि हम लोगों ने OH- को 10⁻¹⁸ मान रखा है, ये गलत क्यों है। देखो लेट्स से अपने पास NaOH है, ये Na प्लस और OH माइनस देगा, तो इनिशियली आपने NaOH ऐड किया, कितना ऐड किया NaOH, 10⁻¹⁸। इनिशियली Na प्लस कितना होगा, 0। बट ध्यान रहे आप इनिशियली OH माइनस मोस्ट ऑफ द टाइम 0 लिखते आए हैं, बट OH माइनस 0 नहीं होता, OH माइनस इनिशियल मतलब प्योर वाटर में इनिशियल क्लोज टू 0 होता है,
और अगर एक्चुअल वैल्यू पूछा जाए तो 10^-7 होता है। ये OH माइनस पहले से पानी में रहता है, इसको हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो अमाउंट होता है और हम लोग जो ऐड कर रहे होते हैं तो ये अमाउंट जो एडिशन हुआ है उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। तो अब हम लोग इसको लेंगे क्योंकि हमारा अमाउंट ऑफ OH माइनस एडेड इज वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए अब इसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो, अब लिखेंगे चेंज। चेंज में बोलेंगे NaOH इज स्ट्रॉन्ग आयन, स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल आयनाइज कम्प्लीटली, मतलब सारा का सारा NaOH खत्म हो जाएगा और ये बनेगा 10^-8। तो ये भी बनेगा 10^-8। सो टोटल क्या आया NaOH? इस बार टोटल NaOH हो जाएगा 10^-7 प्लस 10^-8। ये डिफरेंस है। अगर पुराने तरीके से कर रहे थे तो OH माइनस आया था 10^-8, बट हम लोग को पता है अब एक्चुअल OH माइनस होगा, OH माइनस एडेड दैट इज 10^-8, और OH माइनस जो पहले से वाटर में रहा करता है 10^-7। सो टोटल OH माइनस का कंसंट्रेशन हो गया 10^-7 प्लस 10^-8। इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 10^-7 प्लस 1/10 10^-7 इंटू ए। तो इसको करेंगे तो आएगा 1.1 10^-7 आया। तो OH माइनस कितना है? 1.1 10^-7। तो POH हो जाएगा 7 - log of 1.1। अब log 1.1 log टेबल से देखिएगा 0.05 होता है, तो ये आया 7 - 0.05, तो ये आ जाएगा 6.95। तो POH आया 6.9। तो pH निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 - POH = 14 - 6.95। इसको कर देंगे तो आएगा 7.05। तो देखो pH आया मोर देन 7, तो सॉल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली क्यों हुआ? बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ NaOH ऐड किया गया है। अब एक बात और, ये जो किए है ना, इससे आंसर हमारा आया है 7.05। इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक और तरीका है उससे भी कर सकते हैं। वो जो तरीका होता है वो ज्यादा, वो 100% करेक्ट तरीका होता है। इसमें क्या है, इसमें आंसर बिल्कुल सही आएगा बट माइनर जो आपका आंसर है एक्चुअल से माइनर चेंज है, एक्चुअल से माइनर थोड़ा सा अलग है ये। उसमें हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का यूज करके OH माइनस पता करते हैं, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि वो वाला फॉर्म तरीका क्या है। बट ये जो तरीका है ना, ये इजी है, अब बहुत आसानी से रिजल्ट देता है और आपको सही रिजल्ट देता है। यहाँ पे 7.05 है ना, वो माइनर चेंज करेगा उस तरीके से। तो ये तरीके से भी आप कर सकते हैं जब एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आपको बेस दे दे। अब वो देख लेते हैं जो 100% एक्यूरेट। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे पीएच ऑफ 10^-8 मोलर HCl एंड 10^-8 मोलर NaOH। तो देखो इसमें HCl का कंसंट्रेशन बहुत लो है। अगर हम लोग पुराने जो नॉर्मल तरीका होता है H प्लस का, उससे अगर करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है इसका बेसिक पीएच चला आएगा, और इसका अगर करेंगे तो इसका एसिडिक पीएच आ जाएगा। कैसे? देखो 10^-H+ को लिखेंगे 10^-8। अब जैसे ये 10^-8 हुआ तो पीएच कितना हो गया? 8 हो गया। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं H+ = 10^-7। ये 10^-7 कहाँ से आया? ये 10^-7 वाटर का H+ जो पहले से था वो आया, दिस इज फ्रॉम वाटर,
और ये आपने एसिड में ऐड किया उसका, तो उसके बाद ये हो जाता था 1.1 × 10⁻¹⁷ और इसका पीएच चेक कर लेंगे तो आएगा 6.95। तो क्लियर है, तो 10⁻¹ अगर इससे करेंगे तो 8 आया, बट पता है ये एसिडिक होगा तो आपको वाटर वाला ऐड करना होता है, इससे हम लोग को 6.95 देंगे। इसको एक करने का और तरीका है, कैसे करते हैं देखो, हम लोग लिखते हैं H2O plus H2O equilibrium with H3O plus और OH minus। अब क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इसका जो वाटर का होता है 10⁻¹, ये 10⁻¹ वाटर में होता है, ये भी 10⁻¹ वाटर में होता है, तो हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया। पर ध्यान रहे कि जब हम बाहर से H plus ऐड करेंगे तो वाटर का पहले 10⁻¹ था, बाहर से आप H प्लस ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, उस समय वाटर का कंट्रीब्यूशन 10⁻¹ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, कॉमन आयन इफेक्ट याद कीजिए, वहां से अगर मैं H प्लस ऐड करूंगा तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो पहले 10⁻¹ था, अब 10⁻¹ नहीं रहेगा, 10⁻¹ से थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली 10⁻¹ ऐड कर दिया है जो एक 100% एक्यूरेट नहीं है। तो अगर मुझे 100% एक्यूरेट चाहिए तो क्या करेंगे, मैं बोलूँगा कि इनिशियली ये भी कुछ नहीं है वाटर में, ये भी कुछ नहीं है, 0-0 है, इनिशियली क्या है 0-0 है। अब मैं बोलूँगा एसिड से मैंने वाटर ऐड किया, एसिड से H+ ऐड किया, तो एसिड से मैं H प्लस कितना ऐड किया हूँ 10⁻¹, बट क्या मैं OH माइनस ऐड किया हूँ जो एसिड मैंने ऐड किया, तो नहीं, तो ये इनिशियली अज्यूम किए वाटर अभी आयनाइज नहीं किया है, वाटर अभी करना है, तो पहले वाटर को माने आयनाइज नहीं हुआ, फिर बोले एसिड ऐड किए तो 10⁻¹ हो गया, बट एसिड ऐड किए तो OH माइनस तो ऐड किए नहीं, तो वो 0। अब बोलेंगे कि वाटर विल आयनाइज, अब वाटर आयनाइज करेगा, अब जब वाटर आयनाइज करेगा तो H3O प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और प्लस X आएगा। अब जितना H3O प्लस प्रोड्यूस होगा उतना ही क्या प्रोड्यूस होगा OH माइनस, तो अब क्या हुआ H3O प्लस हो गया 10⁻¹ प्लस X और OH माइनस हो गया X। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा KW विच इज इक्वल टू 10⁻¹¹। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे और प्रॉपर सॉल्व करेंगे, तो आएगा x² + 10⁻¹⁸x = 10⁻¹⁴। अब यहां से आपको एक्चुअल x मिलेगा और अब आपको 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। तो जो 100% एक्यूरेट आंसर आएगा और जो ये हम लोगों ने किया है ना, वाटर का 10⁻¹ ही मान लिया इस कंसंट्रेशन में, और यहाँ से जो एक्स निकालेंगे और इसमें ऐड करने के बाद जो आएगा वो मोर और लेस सेम आना है, माइनर चेंज रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्स सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x + 10⁻¹⁸x - 10⁻¹⁴=0। अब इसको सॉल्व कीजिए, इससे x निकालिए, x निकालने के बाद ऐड कीजिए तो आपको टोटल H प्लस मिलेगा। यहाँ पर जो x है ना, ये वाटर का x, ये 10⁻¹ नहीं आना है, सॉल्व करेंगे तो 10⁻¹ से कम आएगा। अगर 10⁻¹ आ जाता तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क रहता, कोई फ़र्क नहीं रहता, तो यहाँ पर 10⁻¹ से थोड़ा कम आना है, फिर इस x को ऐड करिएगा, फिर pH आपका आ जाएगा। वही काम आप अगर इसमें करेंगे तो इसमें हम लोग वही एक पुराना तरीका हो गया, इजी तरीका, क्या करेंगे OH माइनस टोटल विल बी 10⁻¹ प्लस 10⁻¹। उसके बाद ये भी क्या आ जाएगा 1.1 × 10⁻¹ आएगा, फिर POH क्या आ जाएगा 6.95 आ जाएगा, pH क्या आ जाएगा 7.05 आ जाएगा। तो ये एक तरीका होगा।
दूसरा तरीका ये हुआ कि स्टार्टिंग में इसको आप जीरो मान लीजिए, इसको भी जीरो मान लीजिए, पर क्योंकि आपने यहाँ एसिड किया इसलिए इसको 10^-8 किया। इस केस में क्या आपने ऐड किया, बेस, तो ये जीरो हो जाएगा और ये 10^-8 हो जाएगा। फिर वही है, ये वाला इक्वेशन बनेगा, ऐसा ही सिमिलर इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा। मैं कर देता हूँ, H2O plus H2O gives H3O plus OH minus। माना गया इनिशियल, माना गया बेस, फिर माना जाएगा आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो इसके पास वाटर के लिए तो हम लोग कुछ लिखते नहीं है, यहाँ लिखेंगे 0 0, अभी वाटर आयनाइज नहीं किया है, अभी आपने बेस भी ऐड नहीं किया। अब आप बेस ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 10^-8। अब वाटर अपना खुद का आयनाइजेशन करेगा तो यहाँ आएगा प्लस एक्स, यहाँ आएगा प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 10^-8 प्लस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू, विच विल बी इक्वल टू 10^-40। अब फिर क्वाड्रेटिक बना, उसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा।